नागपुर रिटायर सी 3 लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय कलमेश्वर तहसील के कई किसानों के पास अपने खेतों तक जाने के लिए सड़क नहीं है। रेलवे पहले किसानों को सड़क मुहैया कराए ताकि उन्हें कोई काम करने में बाधा न आए, उनके लिए अपने खेतों तक पहुंचने का रास्ता बनाए। उसके बाद हमें अपने काम में तेजी लानी चाहिए, पशुपालन, डेयरी विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार द्वारा कहा गया। यह निर्देश उन्होंने आज छत्रपति सभा में हुई बैठक में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, कलेक्टर आर विमला, मुखिया कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर इस दौरान उपस्थित थे। बैठक के दौरान कोहली, मोहाली, खपरी कोठे, अलकापार, रीठी, कोहली, चकदो में किसानों की सड़कें बंद करने, कलमेश्वर, ब्राह्मणी और घोड़ार क्रॉसिंग फाटकों को बंद करने संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम सरपंचों के साथ मामलों को देखने के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।